नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। तेज धूप व गर्मी में बिजली की समस्या से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जर्जर विद्युत तार, हाई टेंशन और लो टेंशन के तारों के अक्सर टूटकर गिरने के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के जमानिया विधानसभा के सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सब स्टेशनों व गांवों के तारों को घूम करके निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस संदर्भ में जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आप भी जानें। ये बात सही है, बिजली की समस्या तो बहुत जर्जर है, लेकिन जब से माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश सिंह जी चुनाव जीते हैं, तब से बिजली को लेकर हम लोग बहुत ही रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि जब हम लोग सरकार में थे तो यहाँ पे फास्ट फास्ट विद्युत सब स्टेशन हम लोग नए बनाए थे। 220 करहिया में बना था, 100 पीस बन के अभी रख पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर भी काम चल रहे हैं। अभी कल आपने देखा कि बिजली विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री और जमानिया विधायक माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी गाजीपुर पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में मीटिंग भी किए। मीटिंग करने के बाद संबंधित जितने भी प्राइवेट कंपनियां क्षेत्र में काम कर रही हैं, सबको एक साथ कल सुबह से ही दौड़ा किया गया, जिसमें गहमर फायर फिल लगाई, लहना बरेजी बकफड़ा फिल लगाई गंधुतालिका इलाका में, फिर हम लोग गए थे करमहरी साइड में भी गए थे, देवैथा साइड में भी गए थे। ऐसा कोई जगह नहीं है कि हम लोग न, बहुत जल्द मैं कह रहा हूं कि जितनी 33,000 की 11,000 की लाइन है जो जर्जर हो चुकी हैं, उनको तत्काल बदलने का कार्य हो रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। इसका कल सुपरविजन संबंधित अधिकारियों के साथ आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी किए भी हैं और उस पे लगाई तमाम, तो सब पे कार्य चल रहे हैं। और बहुत जल्द आप सबका सहयोग से बिजली विभाग के जितने भी क्षेत्र में जर्जर तार हैं, चाहे 33,000 के हों, 11,000 के हों, गाँव में LT लाइन हो, खराब पड़े ट्रांसफार्मर हो, सबको बदलने का कार्य हो रहा है। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।